अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैं आपके इंस्ट्रक्टर सैयद मोहम्मद आतिफ अली बुखारी। लास्ट लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने उससे आरएमएस वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और हमने डिफरेंट करंट्स और वोल्टेजेस को हमने देखा था। एक हमने फॉरवर्ड बायस केस लिया था, एक हमने रिवर्स बायस केस लिया था, फिर हमने उनको कम्प्लीटली डिस्कस किया था। आज जो हम आउटलाइन फॉलो करेंगे लेक्चर के दौरान, वो हम पहले पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे, फिर हम रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का निकालेंगे, फिर हम मूव करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। और फुल वेव रेक्टिफायर में टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स यूज किए जाते हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम सबसे पहले पीक इनवर्स वोल्टेज को देखते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है। हमने लेक्चर नंबर 11 में भी पीक इनवर्स वोल्टेज को देखा था, लिमिटेशंस ऑफ पीएन जंक्शन को डिस्कस करते हुए कि पीक इनवर्स वोल्टेज होती क्या है। आज हम फिर उसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द डायोड बिफोर द ब्रेक डाउन रीजन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इस पीक इनवर्स वोल्टेज की। ये एक मैक्सिमम वैल्यू से अगर एक्सीड कर जाए तो आपका जो रिवर्स करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो शार्पली इंक्रीज करता है और आपका जो डायोड है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। और रेक्टिफायर में जब डायोड यूज़ करते हैं तो ये खासी इम्पॉर्टेंस का हामिल हो जाता है। और यूजुअली इसकी वैल्यू जो है 10 वोल्ट और 10 किलो वोल्ट के दरमियान होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 10 वोल्ट से 10 किलो वोल्ट के दरमियान इसकी वैल्यू होती है, होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्स वोल्टेज है, पीआरवी भी इसको कहते हैं, पीक रिवर्स वोल्टेज। और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हम इसको कैसे निकालेंगे, हम एक सर्किट लेंगे जिसमें डायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में अटैच किया गया होगा, फिर हम उस पर केवीएल यूज़ करेंगे और केवीएल यूज़ करके हम पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं सर्किट किस किस्म का होगा। सबसे पहले मैंने कंडीशन आपको बताई है कि हमारे पास रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। ये हमारे पास एसी इनपुट सिग्नल है और इसके सीरीज में हमारे पास एक डायोड रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ हो रहा है और ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में लगी हुई है। और आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एसी सोर्स इज अटैच्ड विद पॉजिटिव पी साइड ऑफ द डायोड और हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी और ये वी इनपुट है। जब हमारे पास डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो मैंने आपको बताया कि आइडियल मॉडल में हम इसको आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट में एक ओपन स्विच के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो हम वही करने लगे कि इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ओपन स्विच के साथ। तो यहां से एक यहां वोल्टेज आएगी हमारी वी, जबकि वी आउटपुट जीरो आ जाएगी और आई बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो हम इस पे अगर केवीएल अप्लाई करें तो हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज निकल आएगी। इस पे केवीएल लगाते हैं तो हमारे पास बनता है वी इन, जो वी मैक्सिमम के इक्वल है, वी एम के इक्वल है, इसको वी एम कह देते हैं, वी एम। तो हमारे पास आ जाता है वी एम माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। तो हम कह देते हैं वी एम इज इक्वल टू वी। तो यही हमारे पास पी आई वी इज इक्वल टू वी एम आ जाती है। तो हम इस पे कंडीशन इम्पोज कर देते हैं कि हमारे पास
PIV अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू VM होगी तो हमारे पास डायोड जो है वो बर्न आउट नहीं होगा, और अगर इफ PIV इज लेस देन आर इक्वल टू लेस देन होगी VM तो हमारा जो PN जंक्शन डायोड है वो डैमेज हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव हीट। आर ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन रिवर्स करंट। ओके, ये हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। अब हम रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर को रिड्यूस करेंगे। पहले देखते हैं कि रिपल फैक्टर होता क्या है। व्हाट इज रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर बेसिकली एसी कंपोनेंट है डीसी कंपोनेंट में। जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास एक पल्सेटिंग डीसी आती है जिसमें हमारे पास एसी कंपोनेंट भी उसके अंदर शामिल होता है, तो हम इसको कह देते हैं कि आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर having AC component in the DC output। इसकी proper definition अगर हम करना चाहें तो हमारे पास हम इसको कह देते हैं द रेशो ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट of rectifier the ratio of RMS value of AC component in the output of rectifier to the DC component is known as रिपल फैक्टर। यूजुअली हम इसको डिनोट करते हैं गैमा से। तो रिपल फैक्टर क्योंकि एसी कंपोनेंट है हमारा आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर में, तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी हमारे पास रेक्टिफायर उतना ही इफेक्टिवली डीसी में कन्वर्ट कर रहा होगा, और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी पुअर परफॉर्मेंस होगी हमारे रेक्टिफायर की। अब हम देखते हैं कि रिपल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास है गैमा इज इक्वल टू आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट divided by
वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट मीन्स हम गैमा इज इक्वल टू आई ए सी डिवाइडेड बाय आई डी सी लिख सकते हैं। अब हमने आई ए सी और आई डी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिपल फैक्टर, क्योंकि वो सम ऑफ है ए सी कंपोनेंट का स्केयर प्लस डी सी का कंपोनेंट का स्केयर, क्योंकि हम रूट मीन स्केयर में स्केयर पहले लेते हैं फिर मीन लेते हैं फिर उसका रूट ले लेते हैं। हम यहाँ से आई ए सी को अगर निकालना चाहें तो वो इज इक्वल टू आता है आई आर एम एस स्केयर माइनस आई डी सी स्क्वायर। अगर हम इसी इक्वेशन को डिवाइड कर दें बोथ साइड्स को, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ आई डी सी, तो हमने आई ए सी डिवाइडेड बाय आई डी सी इज इक्वल टू वन ओवर डी सी आई डी सी मल्टीप्लाई बाय आई आर एम एस स्केयर माइनस आई डी सी स्केयर। आई ए सी बाय आई डी सी हमें पता है कि वो गैमा के इक्वल होता है, रिपल फैक्टर के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं गैमा इज इक्वल टू वन ओवर आई डी सी इंटू आई आर एम एस स्केयर माइनस आई डी सी स्केयर। अब हम अगर इसी इक्वेशन से आई डी सी को अगर हम कॉमन ले लें वन ओवर आई डी सी मल्टीप्लाई बाय आई डी सी स्केयर को कॉमन लेने से क्या होगा आई डी सी स्केयर इंटू आई आर एम एस स्केयर और आई डी सी स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि आई डी सी को हमने कॉमन ले लिया। अब ये आई डी सी स्केयर है स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो ये बाहर आ जाएगा आई डी सी और आई डी सी मल्टीप्लाई बाय आई आर एम एस स्केयर अवर आई डी सी स्केयर माइनस वन। आई डी सी कैंसिल हो गया है, अब हमारे पास आई आर एम एस है। आई आर एम एस हम जानते हैं ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आई आर एम एस इज इक्वल टू हमारे पास पाई बाय आई एम बाय टू के इक्वल है एंड आई डी सी इज इक्वल टू या आई एवरेज जो है हमारे पास वो आई एम बाय पाई के है। अब यही वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिपल फैक्टर आ जाएगा। अब पुटिंग दोज वैल्यूज दी वैल्यूज इन अबव इक्वेशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू आई एम बाय टू डिवाइडेड बाय आई एम बाय पाई माइनस वन उसका स्क्वायर रूट। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लें तो आई एम बाय टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय आई एम माइनस वन अंडर रूट। ओके तो गैमा इज इक्वल टू आई एम से कैंसिल हो गया पाई बाय टू होल स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.57 होल स्क्वायर माइनस वन। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.21। गैमा की वैल्यू 1.21 है। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लें तो हमें पता चलेगा गैमा इज इक्वल टू 121% विच इज very high that you have an AC component of 121% in your output। इसका मतलब है हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है।
उसके आउटपुट में हमारे पास एसी कंपोनेंट जो है वो 121% है। आइडियल बात करें तो हमारे पास गैमा की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, कि हमारे पास आउटपुट हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास रिपल फैक्टर 0 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में 121% है, तो इसका मतलब है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और ये इसकी परफॉर्मेंस इंतहाई ख़राब है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम फुल वेव रेक्टिफायर्स की तरफ जाते हैं। फिर हम उसके डिफरेंट सर्किट्स को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास रिपल फैक्टर जिस रेक्टिफायर का कम आएगा वही रेक्टिफायर हम फिर यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट एसी इनटू द डीसी।